તો શિયાળુ સત્રમાં ભલે જીએસટી બિલ સંસદમાં પાસ ન થઈ શક્યું, પરંતુ સરકારે બજેટ સત્રમાં બિલને પાસ કરાવવા માટેની તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે, જે માટે વેંકૈયા નાયડુએ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષા સોનિયા ગાંધી સાથે બેઠક પણ કરી. ત્યારે દિલ્હી ખાતે અમારા સંવાદદાતાએ જીએસટી મુદ્દે વાત કરી ભાજપના નેતા બિજોય સોનકર શાસ્ત્રી સાથે. बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सोनकर शास्त्री जी. शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है. आज सुबह सुबह वेंकैया नायडू जी की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई जीएसटी को लेके, तो क्या लगता है कि सरकार जीएसटी को लेके अब भी है, जबकि कांग्रेस का ऐसा मानना है कि हमारे तीन इशूज ऐसे थे जिसको अब तक एड्रेस नहीं किया गया है. देखिए, कांग्रेस के तीन इशू थे या 13 थे, उसमें तो मैं नहीं बता सकता कि उनके क्या क्या इशू है, पर जीएसटी इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण इशू है जिसे पार्लियामेंट में पास हो जाना चाहिए था, जो अभी तक फंसा रह गया है. इससे लाखों लाख व्यापारी और देश की तमाम समस्याओं का समाधान एक तरह से देखा जाए तो है, लेकिन वो भी जिस तरह से व्यवधान रहा राज्यसभा में और लोकसभा में, वो उसको देख करके तो यही लगता है कि कांग्रेस का सहयोग नहीं मिला जीएसटी पास करने में. जबकि आज देखें तो पूरे देश भर में तमाम व्यापारिक संगठन, तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और इसको लागू करने के लिए, और इसका लाभ भी हमारे देश की जनता को मिल सकता है. एनडीए रूल्ड स्टेट है या बीजेपी रूल्ड स्टेट है, विपक्ष का ऐसा आरोप है कि इन राज्यों को थोड़ी सी अलग से अहमियत दी जा रही है इसमें. नहीं नहीं, देखिए ये बात तो गलत हो सकती है, क्योंकि जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है तो वो केंद्र और राज्य के बीच में जो अपने संबंध बनाने की, बेहतरीन संबंध बनाने की हमेशा बात किए हैं, और राज्यों को भी सशक्त करने के लिए उनका हमेशा प्रयास रहा है. उन्होंने जिस तरह से फंड एलोकेशन वगैरह में जो अपनी तत्परता दिखाई है, इससे तो ये कहना कि बीजेपी राज्य और नॉन बीजेपी राज्य की बात जो लोग कह रहे हैं ये सरासर मिथ्या है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए. शास्त्री जी, एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि क्या आपको लगता है जीएसटी के जो प्रयास होनी चाहिए थे सरकारी स्तर पर या सरकार की तरफ से, वो थोड़ा कहीं ना कहीं संवादहीनता की स्थिति रही है विपक्षी दलों से या खासकर कांग्रेस से? नहीं, देखिए संवादहीनता की तो बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो तय ही कर लिया था कि वो राज्यसभा और लोकसभा को डिस्टर्ब करेंगे, और खासतौर से कैसे मुद्दे पर उन लोगों ने डिस्टर्ब किया है ये पूरे देश ने देखा है. व्यक्तिगत मुद्दों पर और जिस प्रकार उनके टॉप लीडरशिप के कुछ ऐसे केसेस थे जिसका कि न पार्टी से, न राजनीति से और न ही देश की संसद से कोई लेना देना था, लेकिन उन मुद्दों को लेकर के संसद में रुकावट डाला गया. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है. सरकार बिल्कुल तत्परता से चाहती है कि देश का कल्याण हो, और उसके लिए जीएसटी बहुत महत्वपूर्ण है. सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ये थे विजय सोनकर शास्त्री, जो हमसे जीएसटी को लेकर बात कर रहे थे. राजेश कुमार सिंह, जीएसटी.